और नमस्ते सबको। मेरा जितना भी YouTube फैमिली है ना, आज मैं बनाऊंगी सुबह सुबह। तो क्या बनाएगा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखो, हमारा एक लाल साग होता है ना, गांव में तो मिलता ही है ये सब। तो आज मैं उसको ऐसे सिंपल तरीके का बनाऊंगी, है ना। तो वीडियो एंड तक बने रहे। ये देखो हमारा हरी मिर्ची और लहसुन, इसका जबरदस्त तड़का लगेगा कि पूछो मत। देखा क्या मस्त लग। ये देखो मैंने खांडा भी डाल दूंगी उसमें, एक खांडा मैंने काटा हुआ। ये देखो लाल हो गया तो मैंने खांडा डाल दिया, है ना। तो साथ में थोड़ा नमक भी डाल दूंगी ना। ये देखो नमक थोड़ा डाल दिया मैंने। ये लाल साग का भाजी बनाऊंगी, ऐसे सिंपल बनाऊंगी हम, इसमें मसाला वगैरह नहीं डालूंगी। सबसे अच्छा है बिना मसाला का ही अच्छा रहता है ये। ये देखो मेरा ब्राउन हो गया, तो ये लाल साग है ना जो मैं इसको डालूंगी अभी ना। ये देखो मैं बंद कर दी। ये देखो क्या मस्त लग रहा है। देखो थोड़ा बच्चों को डाल रही हूँ। ये देखो हमारा लाल साग क्या मस्त लग रहा है ना। वाह, बिना मसाला का हमने बनाया। देखो क्या लग रहा है, कलर है ना लग रहा है। ये देखो लाल साग ऐसे घर में बना के खाओ। ये देखो हमारा कांदा काट के रेडी हो चुकी है कोफ्ता के लिए। तो ये टमाटर ऑलरेडी कटी हुई है, तो मैं डाल रही हूँ एक मिर्ची साथ में। मैं इसमें काजू डालूंगी और ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्ची, मैंने इसको गर्म पानी में भिगा के रखी हुई थी ताकि सॉफ्ट हो जाए और पीसने के लिए आसान हो जाए ना। तो मैं इसको भी डाल रही हूँ उसमें मिक्सी जार में, तभी मैं इसको पीसूँगी। बंद कर दे। देखो हमारा मिक्सी जार, तो मैं इसको डाल दिया, तो मैं इसको पीसूँगी, है ना। वीडियो एंड तक बने रहे। देखो मैंने लहसुन डालना भूल गया था एंड में, तो मैं लहसुन डाल रही हूँ। ये देखो हमारा कलर मस्त लग रही है ना, ग्रेवी के लिए मस्त कलर लग रहा है। देखो ये देखो हमारे साग भी रेडी हो रही है फिलहाल। क्या मस्त लग रहा है ना लाल साग, वाह क्या बढ़िया है कलर। ऐसे सिंपल से अच्छा लगता है साग वगैरह खाने के लिए, है ना। मैंने इसमें बिल्कुल नमक नहीं डाला था, अभी नमक डाल रही। पानी छूटेगा। ये देखो मैंने थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला हुआ है ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा सा घी भी डालूंगी टेस्ट के लिए, है ना। ये देखो कोफ्ता के लिए मैं थोड़ा सा ये वाला इलायची, छोटा वाला इलायची, साथ में ये तेज़ पत्ता और ये हमारा जीरा, अच्छा जीरा है ना बस। ये देखो हमारा जो पिसा हुआ था ना अदरक लहसुन प्याज टमाटर, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी। लग रहे हैं कलर और कोफ्ता के लिए हमारा कोफ्ता ग्रेवी के लिए। ये देखो हमारा चिकन मसाला है ना, तो उसमें मैं डालूँगी चिकन मसाला थोड़ा सा। कोफ्ता कोफ्ता क्या मस्त लग रहे हैं ना। आप सब घर में ऐसे ही बना के खाओ। सैटरडे छुट्टी है ना, तो सब लोग घर में रहता है, तब तो आप इंजॉय कीजिए। और ये साग हमारा, ये भी क्या मस्त लग रहा है देखो, है ना। देखो ये भी मैंने सिंपल तरीके का बनाया है बिना मसाला का, लहसुन हरी मिर्ची और बस नमक, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। मस्त लग रहा है इसके साथ, है ना, क्या जबरदस्त लग रहा है साग। ये देखो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने डाल दिया उसको भी। आज मैं मसाला पीस रही हूँ घर में, मैं मसाला पीस रही हूँ धनिया। देखो ये देखो धनिया मैं पीसने जा रही हूँ धनिया, है ना। ये देखो मैंने घर में पीस लिया मसाला धनिया पाउडर, है ना।
ये देखो हमारा मटन ग्रेवी, ये देखो हमारा धनिया, मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है ना। घर में जो पीस के बनाते हैं ना वही सबसे अलग टेस्ट होता है, रेडीमेड से अच्छा घर में पीस के बनाओ आप सब लोग, और बना के देखो ज़बरदस्त किया मस्त लगता है सब्जियाँ है ना। सबका अलग तरीका होता है बनाने का, कोई कोई रेडीमेड वाला मसाला खाता है, कोई अपना घर में पीस के खाती है ना, तो मैं तो घर में पीसी हुई डाल देती हूँ है ना। तो ये देखो क्या मस्त लग रहा है, थोड़ा टाइम इसको पकने दो है ना, साथ साथ में ये भाजी को भी चला देगा, नहीं तो नीचे लग जाएगा ना, जल जाएगा। इसलिए ये भी रेडी हो रहा है, फिलहाल रेडी हो चुके हैं ये भी है ना। फिर भी ये हमारा कोफ्ता जो मैं उसको बनाऊंगी अभी गोल गोल राउंड राउंड चिकन का है, मैंने इसको ऑलरेडी रख दिया पीस के है ना, तो मैं इसका भी गोल गोल गोला बनाऊंगी और फ्राई करूंगी इसको, वीडियो एंड तक बने रहे। ये देखो मैंने बना लिया है इतना सारा कोफ्ता का गोल गोल, अभी ये बनाने बाकी है। ये देखो ये भी हो रही है कोफ्ता है ना, एक हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा बाकी है, छोटा कोफ्ता बनेगा, ये बहुत छोटा सा बनेगा कोफ्ता, ये सब कोफ्ता का ये बच्चा बनेगा, कोफ्ता का बच्चा है, क्यूट से बेबी, मैं इसको खा जाऊंगी, कोफ्ता का छोटा सा बच्चा है ये चना कोड़ा। हेलो, मैंने कोफ्ता चिकन कोफ्ता करी बना ली है, देखो लिखा उसको, ये देखो इसका मैंने अभी फ्राई करूँगी है ना, चिकन कोफ्ता करी बनाऊँगी, तो इस तरह ये देखो मैंने पानी डाल दिया में, अच्छा लग रहा है ना। सब में उबालने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, मेरे को लिखा इसको फ्राई करूँगी, फ्राई करके मैं इसमें डालूँगी कोफ्ता करी। देखो मैंने आज क्या क्या बनाया है, साग लाल साग का सब्जी है ना, कोफ्ता करी के लिए। ये देखो हमारा कोफ्ता है, मैंने जो बनाया था राउंड राउंड, अभी तेल भी गर्म हो चुके हैं फिलहाल। थैंक यू जीजस, मैंने यीशु मसीह के नाम लेके मैं डाल दिया ताकि मेरा खाना अच्छा बने। ये लो ये लो, यदि कुछ और है तो मैं उसको भी डाल देंगी। ये देखो क्या मस्त लग रहा है, तो देखो देखो क्या मस्त लग रहा है ना, ये देखो लाल हो चुके हैं कोफ्ता है ना, वो ये पक चुकी है फिलहाल, मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखो हमारा रेडी हो चुकी है फिलहाल, ये देखो, ये देखो कोफ्ता क्या मस्त लग रहा है ना। ये देखो हमारा कोफ्ता रेडी हो चुकी है, तो ये देखो कोफ्ता करी कर ग्रेवी, तो मैं कोफ्ता डाल रही हूँ उसमें। ये देखो हमारा क्या मस्त लग रहा है कोफ्ता करी, चिकन कोफ्ता करी, ये देखो है ना क्या मस्त लग रहा है ना। ये देखो कोफ्ता रेडी हो चुकी है, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना प्लीज़ फ्रेंड्स, सब लोग मुझे सपोर्ट करना आपकी छोटी बहन को। ये देखो हमारा कोफ्ता रेडी हो चुकी है फिलहाल, ये देखो